रहीम, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई अहम किस्म के हसास मसाइल में मुबतला है मजमुई तौर पर मुल्क के आवाम बेरोज़गारी की वजह से महंगाई की वजह से परेशान हैं। बलूचिस्तान सिंध के आवाम यहाँ मैं देख रहा हूँ पीने के लिए पानी मैसर नहीं है यकीनन उन्हें पानी की ज़रूरत है यहाँ बहुत सारे इलाक़ों में बिजली नहीं है सिंध में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली नहीं है इस्लामाबाद में गुजशत दिनों इस ने एहताज किया हुआ था उससे पहले ताजरों ने बाहर जाकर धरना दिया हुआ था उससे पहले एक मजहबी जमात ने धरना दिया हुआ था अभी आने वाले दिनों में अपोजिशन की जमातें कोई मार्च की और धरने की तैयारी की बातें कर रही है ऐसे में यकीनन मुल्क के आवाम इंतहाई परेशानी में मुबतला है हमने इस सफ़र का आगाज़ गुजश्त माह सिंध से किया और अभी हमने परसों से बलूचिस्तान से मेरे साथ मेरी जमात के मरकज़ी जनरल सेक्रटरी मौलाना अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं दाई तरफ मेरे बईं तरफ मौलाना अब्दुल वहीद जलाली साहब जमात के तर्जुमान हैं कश्मीर से आगे मौलाना रमज़ान मैंगल साहब जो हमारे सूबे के ज़िम्मेदार हैं इसी अंदाज़ में मौलाना ना फारूकी साहब इस सूबे के ज़िम्मेदार हैं हाफिज मोहम्मद कासम साहब ये सारे ज़िम्मेदारों को साथ ले करके मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया नसीराबाद से जाफ़राबाद और कल जलमक्सी में और आज हम खोजदार में हैं कल इन अगला सफ़र आगे होगा जहाँ ये मसाइल हैं जिनका मैंने तस्करा किया वहीं पर उनवान के ऊपर एक तबका मुलक में कोई नबी की गुस्ताखी कर रहा है कोई सहाबा कराम की गुस्ताखी कर रहा है कोई आहल बैत अतार की गुस्ताखी कर रहा है कोई अजवाग मतहारात की गुस्ताखी कर रहा है कोई नबी की बेटियों की तोहन कर रहा है ऐसे में जब इस तरह के हालात होते हैं तो इस मुलक के मुसलमान जो हैं वो जनाब रसूल सल्ला वसलम के साथ और इन तमाम मुकदस शख्सियात के साथ उनकी मोहब्बत और अकीदत है तो जब इन मोहब्बत अकीदत रखने वालों के सामने कोई उन मुक़दस शख्सियात की गुस्ताखी करेगा तो लाजमी बात है जहाँ कोई ज़िम्मेदार होगा वो तो कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगा जहाँ कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाया करता है जैसा कि गुजशत दिनों सियालकोट का एक बड़ा दिल खराश किस्म का वाक़ रूनमा हुआ इस तरह के वाक़ इससे पहले भी होते रहते हैं मैंने जमात की तरफ से ये जो सफ़र का आगाज़ किया कि हम ज़िम्मेदार निकलें हर शूबे में जाएँ हर शहर में जाएँ अपने ज़िम्मेदारों को बिठाएँ उन्हें बैठा करके ये हालात बता करके उन्हें बावर करवाएं कि मुलक दुश्मन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क को ख़राब करना चाहते हैं जो इस मुलक को कमज़ोर करना चाहते हैं और गैरों के इमा के ऊपर वो ऐसा करना चाहते हैं अगर उनका मकसद है मुल्क को नुकसान पहुंचाना अगर हमने उनको कंट्रोल ना किया तो कुछ नौजवान निकल कर के सामने आ जाएंगे जब सामने आएंगे फिर इस मुलक में पहले भी सुन्नी उनवान पे कत्लों के दाल बहुत हो चुका है आपके इलम में है अस्सी और नब्बे की दहाई में कोई दिन खाली नहीं जाया करता था कभी सुन्नी की लाश होती थी उधर शिया की लाश होती थी खून के दरिया बहा करते थे यकीनन गवर्नमेंट ने भी कोशिश की हमारी जमात की उस वक्त की क्यादत ने कुर्बानियाँ दे के उसके ऊपर कोशिश की कोशिश करके नौजवानों को कंट्रोल किया कि ये मुल्क हमारा है और फिर कतलों कताल से ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते मसाइल के हल के लिए हमेशा मुत हुआ करते हैं टेबल टॉक हुआ करती है जैसा कि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में गुजतः एक लम्बे अरसे में अमरीका ने सारी ताकत का इस्तेमाल किया कितना बारूद वहाँ इस्तेमाल हुआ बेल आखर घुटने टेकने पड़े मुजाती ही करने पड़े और मुकर के ज़रिए से वहाँ के हालात आज आपके सामने हैं इंडिया के साथ हमारी जंगें हो चुकी हैं इंडिया आए दिन पाकिस्तान के फौज फोज फौज के जवानों को शहीद करता है मकबूा कश्मीर में रोज़ाना होने वाले मजालम आपके सामने हैं इसके बावजूद बात मुत की की जाती है पता चलता है मसाइल मुखरत से हल होते हैं ताकत के इस्तेमाल से कभी मसाइल हल नहीं हुआ करते तो हम चूँकि जनाब रसूल सल्ला वसम के उम्मती हैं हम उसका कलमा पढ़ने वाले हैं उस नबी ने दुनिया में मोहब्बतों को बाँटा था उसने खुशबुओं को फैलाया था हम वही मोहब्बत वाला पैगाम लेकर के निकले हैं ताकि लोगों को नबी की बात सुना के जो दिलों में कुदूरते हैं नफ़रतें हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और मोहब्बतों को आम किया जाए ये हमारे मुल्क की इस वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है मैं कहना ये चाहूँगा ये जो मैंने पहले शुरू में कहा बेरोज़गारी महंगाई और हालात कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं इन तमाम मसाइल का हल जो है वो राशदा के अमली निज़ाम के निफ़ास के अंदर है जब तक वो निज़ाम इस मुल्क में नहीं आएगा उस वक़्त तक मसाइल हल नहीं हो सकेंगे यहाँ हुकूमतें बदली हैं चेहरे बदले हैं निज़ाम नहीं बदल सका नाम इस्लाम का लिया जाता है इस्लाम के निज़ाम जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता रियात मदीना का नारा तो अब भी लग रहा है मगर रियात मदीना के पहले ताजदार खलीफा बिलाफ़ल सैद ना सिद्दीक अकबर हैं दूसरे ताजदार सैद ना फारुक़ अजम उमर अबिन खब हैं तीसरे सैद ना उस्मान अबिनफ़ान हैं और चौथे नंबर पर हज़रत अलीतदा रज़ी लालू हैं जिन्हें खलाफा राशिदीन कहा जाता है और उनके दौर को खिलाफत राशद का निज़ाम कहा जाता है आप उसे पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं उस दौर को आप जब पढ़ते हैं ईमानदारी से वहाँ तो ये मसाइल नहीं थे वहाँ तो फारूक आजम ने यह कह दिया था या दरियाए फ्रात के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो मैं कल के अमद के दिन जवाब दे हूँगा वहाँ लोग अपनी ज़क़ात के पैसे लेकर फिरा करते थे कि कोई मुस्त ज़ूत जो है वो ले ले हमसे लेने वाला कोई नहीं हुआ करता था आज कतारों में खड़े हैं कितनी गवर्नमेंटों की स्कीमें हैं पहली गवर्नमेंटों की मौजूदा गवर्नमेंटों की पहले ईमानदारी से आपके भी इलम में होगा किसी को बता कर के कहते ना ये ज़क़़त के पैसे हैं लेते नहीं थे लोग और आज जहाँ देखो कतारें लगी हुई है ये क्या वजह है उस नज़ाम से हम दूर हो गए हैं अल्लाह करे हम उस निज़ाम के ऊपर आज भी आ जाएं तमाम मसाइल का हल जो है वो उसी निज़ाम के अंदर है हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कोशिशें कर रहे हैं जद्दोजहद जो का जोद कर रहे हैं फिर मैं आता हूँ उसी बात की तरफ कि हम इसलिए अपने ज़िम्मेदारों को बिठा करके बाबर करवा रहे हैं कोई भी इस्लाम दुश्मन या मुल्क दुश्मन जो है वो ऐसी साजिश करके कहीं शहरों का अमन ख़राब ना कर दे मुल का अमन ख़राब ना कर दे अगर किसी जगह पे कोई वाक़ हो तो हम ये अपने ज़िम्मेदारों के ज़रिए से बात पहुंचा रहे हैं कानून को हाथ में लेने की बजाय कानून का सहारा लेना है उसके लिए हमारी मेहनत है और हम मैं आपकी वसात से भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कोई नबी की गुस्ताखी करे कोई सिहबा कराम की गुस्ताखी करे कोई अहल बेत ऐसी की गुस्ताखी करे कोई दीगर मुकदस शख्सियात की गुस्ताखी करे उसके ख़िलाफ़ कानून में ऐसी सख्त सजा रखी जाए कि बस वो सजा के नाम से ही जुर्म करने वाला डर जाए इस्लाम की सजाएँ बज़ाहिर सख्त हैं मगर वो मिलती किसी किसी को हैं चंद लोगों को सजाएँ मिलेंगी बाकी माशरा दुरुस्त हो जाएगा तो मेरा मुतालबा है इसके ऊपर क़ानून साजी होनी चाहिए और जुर्म करने वालों को सज़ा सख्त किस्म की मिलनी चाहिए